हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे जी सानी के चैनल में आपका स्वागत है। ये हम नया डिजाइन हम आपको बता रहे हैं बिन के, आपको कैसा लगा, कैसे लगेगा वो भी बताइएगा। बना के दिखा रहे हैं, ये हम 7 चैन लिए हैं। ये हम पट्टी बना रहे हैं स्वेटर का, 2 चैन एक्स्ट्रा लेंगे। दो चैन छोड़ के यहाँ पास हम 3 चैन लेंगे। तीन चैन लेके ये वाला छोड़ के दूसरे वाले में डाल के निकालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, एक एक फंदा। देखिए इसी तरह बनाना है, इसी तरह इस पट्टी को हम बना के पूरा दिखा रहे हैं। देखिए ये हम पूरा पट्टी बना लिए हैं, ये हम पूरा पट्टी बना लिए हैं। यहाँ तक आपको बुन के हम दिखाए थे, यहाँ तक हम 2 लाइन हम बिन के दिखाए थे। अब ये इतना हम बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 रो बनाए। ये पट्टी हम तैयार कर लिए हैं, अब हम आपको डिजाइन बना के दिखा रहे हैं। 3 चैन लेंगे, 3 चैन लेके इसमें 3 फंदा बनाएंगे।
एक चैन लेंगे, तीन फंदा बनाएंगे। देखिए ये हम एक दो तीन, तीन एक चैन लिए हैं, तीन फंदा बनाए हैं, फिर एक चैन लेंगे, एक चैन लेके इसमें एक फंदा बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर इस वाले में एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदा बनाएंगे। फिर एक चैन लेके इस वाले रो को छोड़ के इसमें चार बेल बनाएंगे। देखिए इस वाले लाइन में बनाए हैं, और इसके साथ साथ एक फंदा इस जॉइंट वाले में लिए हैं, और फिर दो फंदा यहाँ लेंगे। ये पांच फंदा बनाए हैं, दो रो में बनाए हैं। फिर एक चैन लेंगे, एक चैन लेके तीन फंदा निकालेंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर एक फंदा पिन बनाएंगे। फिर एक चैन लेके तीन फंदा बनाएंगे। फिर एक चैन लेके इसमें पांच रो तैयार करेंगे, पांच फंदा निकालेंगे। एक चैन लेंगे, इसके ऊपर वाले फंदे में डाल के एक फंदा निकालेंगे। फिर एक चैन लेंगे, तीन फंदा निकालेंगे। फिर एक चैन लेके इस वाले में लास्ट वाले में तीन फंदा निकालेंगे। देखिए हम बना लिए हैं,
तीन चैन लेंगे। इस वाले को छोड़ेंगे, इस वाले में निकालेंगे। ये डबल क्रोश, डबल फंदा लेके डबल बार निकालेंगे। देखिए इस तरह एक फंदा लेके बनाते हैं, ये दूसरा फंदा है, दूसरे वाले फंदे में लेके बनाएंगे आगे साइड से, ऐसे करके इधर से ऐसे निकालेंगे। एक चैन लेंगे, इस तरह करके तीन फंदा निकालेंगे, इस तरह इसको एक चैन लेंगे। एक चैन लेंगे, ऐसे डबल फंदा लेके ऐसे निकालेंगे, ऐसे डिजाइन बनेगा। देखिए ऐसे बनेगा, अब यहाँ पास बराबर बनेगा। एक एक फंदा लेके निकालते जाएंगे। देखिए इसी तरह बनेगा, और जिस तरह यहाँ नीचे में बैठाए हैं ये बराबर फंदा हो गया। पांच रो का ये फंदा निकलेगा। जिस तरह ये बैठा है उसी तरह, देखिए पांच रो बनाए हैं, ये तीन रो में ऐसे ये पत्ती दार बनेगा, ये बीच में बबल बनेगा पत्ती की तरह। ये रो ऐसे ही बैठते जाएगा, हम बना के दिखा रहे हैं। देखिए हम यहाँ तक बनाए थे, आपको बना के दिखा रहे थे, यहाँ तक बना लिए हैं। और फिर ये दूसरा तीसरा रो चालू हो गया है। अब इसका हम बनाए हैं तीन फंदा लेके, हम तीन
एक एक फंदे में एक एक कोर एक एक डिजाइन निकाले हैं, और ये चार फंदे में इस बबल वाले में डाल के चार फंदा निकाले हैं, फिर ये एक फंदा यहाँ निकाले हैं तो इस चैन वाले में निकाले हैं, फिर इस बबल वाले में निकाल के चार फंदा बनाया है, फिर ये बराबर है। ये पांच फंदा हम निकाले हैं यहाँ पास। ये डिजाइन बैठ रहा है, ये सिंपल है, आसान है, चाहे जो कोई बनाए वो बना सकता है, बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पास हम एक चैन लेके एक एक फंदा निकालेंगे। ये हम पांच फंदा निकाल के ये बना लिए हैं। अब हम डिजाइन हम बता रहे हैं किस तरह बनेगा। एक चैन लेंगे इस बबल वाले में, चार फंदा निकालेंगे, फिर एक चैन लेके इस वाले में ये सीधे वाले में यहाँ चैन में डाल के एक फंदा निकालेंगे, फिर एक चैन लेके इस बबल वाले में इस वाले में डाल के चार फंदा निकालेंगे। देखिए इसी तरह बैठेगा। एक चैन बनाएंगे, एक एक फंदा निकालेंगे, तीन चैन बना के फिर इधर घुमाएंगे, फिर यहाँ डबल लेंगे, डबल फंदा लेके जो ये एक फंदा है इसमें बबल बनाएंगे।
छान लेंगे। देखिए इसी तरह बनेगा, हम पूरा बना के दिखा रहे हैं। देखिए ये हम पूरा बना लिए हैं, इसी तरह बनेगा। ये दोनों प्लाट से भी, दोनों साइड से भी ये सुंदर लगेगा, दोनों तरफ से भी डिजाइन बैठेगा। आगे से भी बैठेगा, पीछे से भी बैठेगा। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमारे बताने का तरीका कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।